जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिला, जहाँ पे निफ्टी में लगभग 180 पॉइंट 200 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी के फ्यूचर्स में 250 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव रुझान जो है हमें आज के दिन देखने को मिला है। तो गवर्नर साहब ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से निफ्टी इतना नीचे है और बैंक निफ्टी जो है स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, आईटी सेक्टर पे वीकनेस दिखाई दे रही है, मिड एंड स्मॉल कैप्स में वीकनेस दिखाई दे रही है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग जो बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स की, और ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त अगर हम डाओ को की बात करते हैं, अमरीकी फ्यूचर्स सुबह लगभग 125 पॉइंट ऊपर थे, एक बार के लिए 125 पॉइंट नीचे गए, अभी 100 पॉइंट नीचे हैं। नैसडैक भी सिमिलर काइंड ऑफ फैशन में चल रहा है। अगर हम यूरोप की बात करें, दो यूरोपियन बाज़ार पॉजिटिव है 0.5%, एक यूरोपीय बाज़ार जो जर्मनी का है वो 0.5% नीचे है। यहीं पे अगर हम एशिया की बात करते हैं तो 1 से 1.5% की तेज़ी हमें एशिया में भी देखने को मिल रही है। तो ये पूरी जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड बैग हमें इस वक्त दिखाई देंगे। आज आरबीआई पॉलिसी में हुआ क्या? आरबीआई पॉलिसी में सबसे पहली चीज़ जो सामने निकल के आई कि जो 6 मेंबर्स हैं उसमें से जो 4 मेंबर्स थे वो फेवर में थे रेट को बरकरार रखने के लिए, मतलब रेट कट्स को अभी नहीं करने के, और जो 2 मेंबर्स थे वो रेट जो है वो कट करना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है हमें देखने को मिली कि फाइनली कुछ मेंबर्स जो हैं इस वक्त रेट कट के फेवर में हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अभी एक चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आरबीआई की तरफ से इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को Q3 और Q4 के लिए थोड़ा बढ़ाया गया है। ठीक है, और साथ में जो GDP प्रोजेक्शन है उसको हल्का सा कम किया गया, एंड आई थिंक दैट इज़ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से एक बार शॉर्ट कवरिंग आने के बाद बाज़ार में सेकेंड हाफ में सेलिंग आई। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा गिर गए हों, ठीक है, अभी तो फ्यूचर्स में नहीं दिख रहा है, बट सर्टेनली एक चीज़ है कल जो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए हमारा जो सपोर्ट लेवल था 24,120-24,140 का, आज पूरे दिन बाज़ार ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास किया, बट एंड में फाइनली ब्रेक डाउन करके इसके आसपास ही हमें जो है वो क्लोज देता हुआ दिखाई दिया है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डे था स्पेशली निफ्टी के अंदर, प्रीमियम वाइज भी आज प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड थे। अगर आप निफ्टी का प्रीमियम देखो तो 200-300 पॉइंट दूर के प्रीमियम्स आपको 10-20 रुपए में मिल रहे थे सुबह के टाइम में, विच वॉज वेरी वेरी इन्फ्लेटेड कंसिडरिंग आज ही एक्सपायरी थी। तो अब क्या हम सेंसेक्स के लिए प्लान कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। उससे पहले, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 97,000 के आसपास हमारे मेंबर्स होने वाले हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, क्रिटिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं या कोई न्यूज़ होती है, यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ग्रुप है। कुछ अगर ओवरनाइट ग्लोबल रिस्क होता है तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अब अगर हम आते हैं निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी की अगर हम देखें तो ये एक और दिन है जहाँ पे निफ्टी जो है वो डेज लो के आसपास बंद हुआ है। अगर हम इस वक्त देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों में से 3 दिन ऐसे हैं जहाँ पे निफ्टी डेज लो के आसपास बंद हुआ है और एक दिन जो है जहाँ पे डेज हाई के आसपास बंद हुआ है, तो इसका मतलब क्लोजिंग पे तो सेलर्स हावी हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस जो क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 24,375 से 24,400। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर मार्केट निकलेगा, तभी हम लोग कोई फ्रेश एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, कल बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न था, बट पहले तो अमेरिका के बाज़ार थे वो 700 पॉइंट गिरे टॉप से, और उसके बाद आज गवर्नर साहब ने निराश किया, कोई मेजर रिलीफ या ऐसी कुछ चीज़ें गवर्नर साहब की तरफ से दिखी नहीं आज के दिन तो सर्टेनली। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो जब तक निफ्टी 24,375 से 24,400 के ऊपर नहीं निकलता, हम लोग एग्रेसिव बाइंग के मोड में नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ही निकलेगा तभी हम बाय करने के बारे में सोचेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल हमें ध्यान में रखना है निफ्टी के लिए, वो लेवल है अराउंड 24,050 का।
24,050 का लेवल एक बहुत क्रिटिकल लेवल है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 24,050 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है। इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा तगड़ा सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसकी इंटेंसिटी मोस्ट प्रोबेबली हमें 300 से 400 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। तो बड़ा सेल ऑफ जो है वो 24,050 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा रेंज को जो है वो अब स्क्वीज़ किया जा रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप देखो इस वक्त तो बैंक निफ्टी जो है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुकी है और ये बड़े मूव के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। फ्राइडे को जनरली बोला जाता है एक ट्रेंडिंग डे, जहाँ पे बाज़ार कुछ ट्रेंड जो है वो देखने को मिले हमें बाज़ार में, और ये चीज़ कल हो सकती है। तो बैंक निफ्टी अब मार्केट के लिए अगला ड्राइवर होगा, अगला एक ट्रिगर होगा कि किधर की साइड जाता है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए वो 50,450 है। 50,450 480 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी निकालता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक कैंडल क्लोज देता है ऊपर की साइड में, तो एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 51,100 तक के टारगेट्स जो हैं वो देख सकते हैं, मतलब 600 से 700 पॉइंट। आज भी लोअर लेवल से देखा तो हमने 700 पॉइंट का एक अपमूव ज़रूर मिला, जो हमारा 49,700-600 का लेवल है वहाँ से। बट ये रेजिस्टेंस जो है 50,480 वाला, इसको क्लियर नहीं कर पाया बाजार। अभी अगर हम बात करते हैं डाउनसाइड की, जो इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए वो है 49,750 से लेकर 650। इस सपोर्ट एरिया के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हम लोग को एक डाउनसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसके बाद जो है अच्छा खासा सेल ऑफ, अराउंड 600-700 पॉइंट का सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो 49,700 डाउन साइड में, 50,500 ऊपर की साइड में रेंज ब्रेकआउट होता है 700 पॉइंट्स का, आइदर साइड मोमेंटम हम लोग डेफिनेटली कैप्चर करने का देख सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस में भी काफ़ी ज़्यादा रेंज स्क्वीज़ हो गई है, ठीक है। दो तीन दिन से रेंज को बहुत ज़्यादा स्क्वीज जो है वो करा हुआ है। एक चीज़ क्लियर है, 22,975 से 23,050 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और 22,630 से लेकर 650 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता, अवॉइड करना ही सही रहेगा निफ्टी फाइनेंस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौपी रहेगा इस रीजन में। जब इस रेंज को बाहर निकले तब हम लोग जो है डेफिनेटली एक बार के लिए अपडेट के बारे में देख सकते हैं। निफ्टी मिड कैप, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, मिड कैप सिलेक्ट, क्योंकि इसकी एक्सपायरी मंडे को है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ट्रेड करते हैं आज के दिन में। तो निफ्टी मिड कैप जो है आज के दिन रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है, ये जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी ना इस एरिया के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर 12,580-12,600 के लेवल को जो है निफ्टी फाइनेंस जो है वो निकाल देता है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। ये अपसाइड का मोमेंटम हमें कहाँ तक लेके जाएगा, मिनिमम अपसाइड हम देख सकते हैं अराउंड 12,785-12,800 तक की, ठीक है। यहाँ तक हमें एक मोमेंटम जो है वो डेफिनेटली दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड में अगर हम बात करते हैं मिड कैप सिलेक्ट की, तो 12,400 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो पहला वीकनेस का साइन हमें देखने को मिलेगा। तो इस रेंज को हम लोग डेफिनेटली प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं फॉर टुमोरो। सेंसेक्स के लेवल्स ट्रेडिंग व्यू पे पता नहीं इशू होता है सेंसेक्स का अपडेट देने में, तो उसका मैं चार्ट जो है वो दूसरे चार्टिंग प्लेटफॉर्म से निकाल के एक बार के लिए आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो सेंसेक्स के लेवल्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।